चिराग पासवान के सफल होने की सबसे बड़ी कहानी आज हम आप लोगों को बताना चाहती हूँ। 2024 लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान 5 सांसद लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मजबूती के कगार पर आ गए हैं साथियों। लेकिन चिराग पासवान ने कल नई दिल्ली में कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नवनिर्वाचित माने सांसदों के समारोह में स्वागत समारोह रखा गया था, जिसमें सभी सांसद मौजूद थे साथियों। लोजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री बनने पर और नव निर्वाचित सांसदों को कहीं ना कहीं ये स्वागत समारोह रखा गया और चिराग पासवान उस स्वागत समारोह में लोगों को संबोधित करते हैं और बताते हैं कि ये सबसे बड़ी वजह कार्यकर्ताओं के साथ लोग कार्यकर्ताओं के दिन और रात एक करने की वजह है सफलता है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इतनी मजबूत स्थिति में आ गए साथ लोग। बता दें कि चिराग पासवान ने वहां पर बताया कि कहीं ना कहीं इस जब नीति और नियत हो तो सफलता जरूर मिलती है। पार्टी के देवतुल्य जनता कार्यकर्ता और दिन रात की परवाह ना करते हुए पार्टी को संभाला। कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से दो गुट में बट गई थी, पार्टी टूट गई थी, लेकिन लोजपा कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान का साथ देकर लोजपा पार्टी को संभाल लिया था। तो यही वजह है कि चिराग पासवान को पार्टी को नई पहचान दिलाई, ये अतुल्य और सराहनीय है साथियों। चिराग पासवान कल दिल्ली में चिराग पासवान के स्वागत समारोह में रखा गया था, जिसमें देश भर के कार्यकर्ता लोजपा के मौजूद थे दिल्ली में साथियों। स्वागत समारोह में चिराग पासवान ने कई बड़ी बड़ी बातें बोल दी। चिराग पासवान 2024 लोकसभा चुनाव में सफल होने के बाद कहीं ना कहीं चिराग पासवान की नजर अब बिहार की विधानसभा चुनाव पर साथियों। कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपने लोजपा कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से मेहनत करने के लिए और कहीं ना कहीं निस्वार्थ भाव से पार्टी के साथ समर्पण रहने के लिए चिराग पासवान ने लोगों को शपथ भी दिलाई। और बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद चिराग पासवान की सबसे बड़ी परीक्षा 2025 विधानसभा में होगी साथियों। इसमें आपसे क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मैं अक्षय पासवान और आप देख रहे हैं बिहारी फैशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।